आज हम बनाएंगे ओट्स का उपमा। ओट्स का उपमा होता है बहुत ही हेल्दी। इसमें न्यूट्रिशन, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जो हमारे हेल्थ के लिए होते हैं बहुत ही बेनिफिशियल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरती है और आरती आत्माराम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओट्स का उपमा। तो ओट्स के उपमे के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप ओट्स। ये ओट्स को हम कम आंच पे 5 मिनट तक हल्का हल्का भून लेंगे। ये अच्छा भून चुका है, अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल जब हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, तीखा आप अपनी पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं, 8 से 10 करी पत्ता। अब ये सारी चीजों को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्का हल्का भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बाउल प्याज। ये मीडियम साइज प्याज मैंने लिया है, तो इसे हम हल्का गुलाबी कलर होने तक भूनेंगे। ध्यान रहे मीडियम आंच पे हमें भूनते रहना है। ये देखिए हल्का गुलाबी कलर हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 बॉइल स्वीट कॉर्न, ये मैंने आधी कटोरी ली है। ग्रीन पीस यानी मटर यूज की है मैंने, ये फ्रेश मटर है, ये भी मैंने आधी कटोरी ली है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर आधी कटोरी, अब हम ये सारे चीजों को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, मिक्स कर ले हल्दी और नमक को इसमें। ध्यान रहे नमक हम थोड़ा सा कम रखेंगे इसमें, क्योंकि हम इसमें मैगी मसाला डालने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा सा नमक ऑलरेडी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब हम इसमें डालेंगे भुने हुए ओट्स। अब इन सब्जियों को हम ओट्स में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 3 कप पानी। यहाँ पे मैंने 1 कप ओट के लिए 3 कप पानी लिया है। अब हम तेज आंच पे इसको उबाल आने देंगे। अब सबसे आखिर में डालेंगे हम इसमें मैगी मसाला। इसमें इसको हमें तेल में बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग आएगा। इस तरह से पानी में डालने से मैगी का टेस्ट बहुत ही खुल के आता है, अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे 1 सैचेट यूज किया है मैगी मसाले का। इससे जो हमारा उपमा है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा, इसे बच्चे भी बहुत ही पसंद से खाएंगे। अब हम इसे ढक देंगे और इसे उबाल आने देंगे। इसे हम मीडियम आंच पे 10 मिनट तक पकाते रहेंगे। बीच बीच में हिलाते रहें, नहीं तो नीचे चिपकने के चांसेस रहते हैं। ये हमारा ओट्स का उपमा ऑलमोस्ट बनके रेडी है। अब इसमें डाल देंगे हम धनिया पत्ते आधी कटोरी, सबसे आखिर में ये डालना है, इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये हमारा ओट्स का उपमा बनके रेडी है। अब हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आज का ये हमारा ओट्स का उपमा बनके रेडी हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।